बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा ए। श्री महामती कहे ए साथ जी, भया चर्चा काबख, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठ इना तखत, लाल आगे आए बैठ इना तखत। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे, महामती कहे ए साथ जी, ये नलिए की बीतक, अब सूरत की कहो जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। श्री जी साहेब जी खुश की चले, धाम धनी अक्षरातीत महामती के धाम दिल में बैठकर ये बीतक के घटनाक्रम वर्णन करवा रहे, कल के घटनाक्रम को जोड़ते हुए कल हमने श्री जी और बिहारी जी दोनों के बीच में जो जो घटनाएं जो जो लीलाएं घटित हुई, उसी प्रसंग से धाम धनी हम सब आत्माओं को प्रबोधित कर रहे, समझा रहे कि निजानंद दिने इस्लाम की सच्ची राह पर श्री मिहराज जिस तन में अक्षरातीत स्वयं धाम के धनी बैठे हैं, वो कैसे चले, और बिहारी जी इससे उल्टी राह, ये भी मूल स्वरूप का हुक्म था, आदेश था। धाम धनी ने वाणी में बताया सतगुरु महाराज के दोनों पुत्र, एक नजरी और एक नस्ली, एक नाद पुत्र एक बिंदु पुत्र, एक ने जाहेरी जो मसनंद पैगंबरी गादी प्राप्त की, और एक ने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की गुह्य बातिनी गादी को प्राप्त किया। तारीफ मोहम्मद मेहंदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है, कहीं ब्रह्मांड हुए कहीं हो ऐसी किन ब्रह्मांडो ना है। आखिरी सुंदर साजी जो पांचवें दिन की लीला है, दूजा कोई मर्द न कहावी, एक मेहंदी पाक पूरन खेल सी मिल रास जागनी,
36,000 से यन। इस प्रसंग घटनाक्रम के माध्यम से आज जो सुंदर साथ अभी सुन रहे हैं और कल जो सुंदर साथ वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, इन सब सुंदर साथ को यहां से धाम धनी एक पुकार के रूप में एक आह्वान करे के सुंदर साथ जी ध्यान देकर कान खोलकर आप सुनिए कि जो जो हमारे समाज के अग्रगणी सुंदर साथ है, चाहे कोई नगर के हो, कोई शहर, कोई ग्राम, कोई प्रांत, अलग अलग कोई भी स्थान या मंदिर, जो जो सुंदर साथ को ये जागनी के उत्तरदायित्व की शोभा दी गई है, वो सुंदर साथ आज ध्यान से इस प्रसंग को सुने कि हम सूरजी भाई का तो पात्र, ये तो भूमिका हम नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि यहां मिहिराज अपने जीव को प्रबोधित करते हुए कहते हे जीव, क्योंकि अक्षरातीत स्वयं धाम के धनी इन सब चीजों से ऊपर है, आत्मा भी दृष्टा के रूप में है, तो धाम धनी की तो कोई बात ही प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। यहां मिहिराज का जीव कहता है कि सामान्यतः सुंदर साथ की आस्था, ध्यान से, सामान्यतः सुंदर साथ की आस्था निष्ठा एक गादी पर होती है, क्योंकि बिचारे तारतम वाणी के ज्ञान से अनजान है, उसको तो गादी पर बैठे हुए जो भी महाराज, तभी के तो बिहारी जी महाराज थे, अभी के भी कोई भी स्थान के ऊपर जो भी शोभा राजदी ने दी है, उस स्थान पर बैठे हुए वही उसको बिचारे भोले सुंदर साथ उसको ही सर्वा सर्वे मानने की जो भूल करते हैं, उसको लगता है कि नहीं, सब कुछ गादी पर विराजमान जो भी महाराज जी है वो ही सब कुछ है। और यही गलती सुंदर साथ जी सूरजी भाई ने की थी। कल के प्रसंग को जोड़ते हुए मैं आगे बता रही हूं कि सूरजी भाई ने क्या कल किया, क्योंकि यही गलती की वजह से क्या आगे रिजल्ट मिला कि भाई बिहारी जी महाराज का आदेश यही है, तो आज भी अग्रगणी सुंदर साथ यही राह पर चलकर जो इससे नीचे जो सुंदर साथ राज्य को पाने के लिए निजानंद की राह पर चलने के लिए जो उत्साह से आगे बढ़ रहे, तो वो सुंदर साथ का भी विचार कैसा है, सूरजी भाई जैसा, कि नहीं, हम इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को यहाँ नहीं होने देंगे, क्योंकि हमको ऊपर से महाराज जी का आदेश नहीं है। यही स्थान का कोई विद्वान है, यही स्थान का कोई सुंदर साथ है, तो यहाँ उसको हम कोई कार्यक्रम या चर्चा करने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमको प्रमुख हमारे महाराज का आदेश नहीं है। तो यही तो हमने कल सूरजी भाई के प्रसंग से सुना सुंदर साथ जी, क्योंकि सूरजी भाई की आस्था कहाँ पर टिकी थी, गद्दी पर। उसने बिचारे भोले सुंदर साथ की ओर नहीं देखा, और आज सुंदर साथ समाज में जो एक परंपरा चल पड़ी है, कैसी, वैसे तो बहुत समय से, के जो मैं आगे इस बात को और बढ़ाऊं तो जो धाम धनी व्रज में लीला कर रहे थे, जो धाम धनी व्रज में लीला कर रहे थे कृष्ण जी के तन में, वही भी हमारे प्राणनाथ थे। प्राणनाथ कोई व्यक्ति नहीं है,
प्राणनाथ नाम का कोई रूप नहीं है, प्राणनाथ कोई अवतार नहीं है, प्राणनाथ कोई महापुरुष या संत मनीषी कवि या कोई सतगुरु धनी देवचंद्र जी के शिष्य नहीं है। प्राणनाथ कोई प्रभु नहीं है। धाम धनी ने वाणी में बताया कि प्रभु विश्व का धनी मेरा जो प्रगटिया है परवान। ये तो संसार के लिए सबने एक परब्रह्म के रूप में प्रभु माना, लेकिन हमारे लिए तो वो धाम के धनी है, वही अक्षरातीत है। तो उसी आवेश शक्ति ने व्रज में जो लीला की, भले तन कृष्ण जी का रहा, वही आवेश शक्ति अक्षर की आत्मा के साथ रास में लीला की, तन भले श्री कृष्ण जी का रहा, वही आवेश शक्ति ने चौथे दिन में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में लीला की, तन भले देवचंद्र जी का रहा। इसी के बाद पांचवें दिन में यही प्राणनाथ ने महाराज ठाकुर महामति के धाम दिल में लीला की, तन भले अलग 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 समय पर रहे, अलग अलग ब्रह्मांड रहे, लेकिन लीला करने वाला मूल स्वरूप तो एक ही रहा। ये कौन है? अक्षरातीत स्वयं धाम के धनी श्री राज जी। बताए ना कि मूल स्वरूप बीच धाम के खेल में जामे दोई, परम धाम में तो मूल स्वरूप अक्षरातीत की आवेश शक्ति संसार में आई और सुंदर साची पांचवें दिन में वो लीला करके सब सुंदर सात के धाम दिल में वही शक्ति विराजमान हो गई, और छठे दिन में सुंदर सात के धाम दिल में विराजमान और वाणी के अंदर ये शक्ति विराजमान हो गई। तो ये शक्ति को हमने पहचाना ही नहीं। आप सोचिए सुंदर साजी, इस बात पर आप विचार कीजिए, जो लीला ध्यान से, जो लीला व्रज में नहीं घटित हुई थी, जो लीला रास में नहीं घटित हुई थी, जो लीला चौथे दिन में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से भी ये लीला मूल स्वरूप का आदेश नहीं था कि सुंदर बाये देखिया दिल के दीदो माहे व्रज रास और धाम की, लेकिन जागनी की शुद्ध ना है। ये शोभा चौथे दिन में सुंदर बाई श्यामा जी को भी नहीं मिली। वही शक्ति वही श्यामा जी पांचवें दिन में और सुंदरसा जी परम धाम में, ये पांचों शक्तियों की एक साथ कभी भी लीला नहीं हुई थी, क्योंकि अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत के माहौल में क्या आनंद और इश्क की लीला हो रही है, ये अक्षर ब्रह्म को भी परम धाम में मालूम नहीं था, वहां पता नहीं था, ये पहचान भी यहाँ हुई। ये देखन का ठोर इत ये है। ये सब लीला की जानकारी सबको कहाँ हुई? अक्षर को भी शुद्ध नहीं थी। तो सोचिए सुंदर साथ जी, और 24,000 कुमारी का, या आज हम जो भी बात करें कि पांचों दिन में जो पांचवें दिन में लीला हुई, वो तो सुंदर साथ जी ऐसी लीला कोई ब्रह्मांड में नहीं हुई थी, अभी आने वाले भविष्य में भी होने वाली नहीं है। तो हम पांचवें दिन की गरिमा को बढ़ाए नहीं सुंदर साथ जी, लेकिन हम उसकी गरिमा को कलंकित ना करें, उस गरिमा को हम नीचे ना गिराए, ये हमारा कोई अधिकार नहीं है। पांचवें दिन की जो शोभा है महामती को, कि मैं शोभा श्रृंगार सारी ये मैं भेख तुम्हारो लियो, तो ये पांचवें दिन की शोभा, वैसे तो बिहारी जी महाराज ही सतगुरु के पुत्र थे, लेकिन शोभा क्यों नजरी पुत्र को मिली, नस्ली पुत्र को नहीं दी? क्योंकि ध्यान से सुनिए, क्योंकि शोभा मांगने से नहीं आती। ध्यान से सुनिए इस प्रसंग को, शोभा कोई ऐसी वाली नहीं है। आपने सतगुरु धनी देवचंद्र जी का जब प्रसंग चल रहा था, जब महाराज ने दो पैसे भर अनाज कर लिया, रास्ता बदल रहे, मन की परीक्षा कर रहे, तब वालबाई ने क्या बोला? ये कोई बाहरी चीज नहीं है कि आप मांगो और सतगुरु दे दे, ये तो राज्य को पाने की बात है,
ये तो परमधाम और मूल स्वरूप का दीदार करने की बात है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो यहाँ भी ये कोई सामान्य बात नहीं है। राज्य को कोई मांगने से नहीं पाया जाता, राज्य को कैसे पाया जाता है आप ध्यान से सुनिए। अपने साधना के बल पर, उसकी परिभाषा सुनिए आप, अपने साधना के बल पर योग्यता कब प्राप्त होती है कि धनी का दिया हुआ ज्ञान, इलम और इश्क, धनी का दिया हुआ ज्ञान और प्रेम की राह पर चलकर ध्यान और चित्तवनी के माध्यम से राज्य के प्रेम में डूबकर, ये शोभा और श्रृंगार में डूबकर सुंदर साजी ध्यान के माध्यम से दीदार किया जाता है और उसी के द्वारा ये योग्यता प्राप्त की जाती है। ये कोई मांगने से होती नहीं है। तो यहाँ नजरी पुत्र और नस्ली पुत्र बिहारी जी महाराज को राज्य ने शोभा नहीं दी और मिहराज के तन को ये शोभा मिली। तो इस प्रसंग में हम आगे बढ़े सुंदर साथ जी, और अंतिम हमने देखा कि बिहारी जी महाराज की क्या विशेष कृपा हुई है। मैंने कल अंतिम बोला इस प्रसंग को लेकर, तो आज मैं बात को लेकर आगे पूर्ण करने जा रही हूँ कि सुंदर साथ जी जब खंभालिए के राजा को चुगली कर दी और वहाँ सख्ती से जांच की गई पहरेदारों के द्वारा और सबको राज्य की धामधनी की मेहर हुई और सबको छोड़ दिया और सब आनंद मंगल और खुशी से सब कहाँ पहुँचे, आज का प्रसंग हम सूरत पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे आज के प्रसंग में? हम सूरत पहुँचेंगे। तो इतनी बातों से आपको पता लग गया कि धामधनी कहीं नहीं बैठे हैं, जिस तन को शोभा दी है वो तो सुंदर साथ जी ये तो आचरण और रहनी के माध्यम से दिखाई देगा। ये कहने की बात नहीं है, ये करने की बात है, ये प्रैक्टिकल चलने की बात है। मैंने एक दिन बोला था कि कहनी सुननी गई रात में आया रहनी का दिन। तो यहाँ हम आगे बढ़े प्रसंग में, तो श्री जी साहिब जी खुश की चले और रण आन उतरे। श्री प्राणनाथ जी ये स्थल मार्ग द्वारा कच्छ के रण में आए और वहां विरक्त वेश धारण कर कर पैदल मार्ग धोरा जी पहुंचे। और जो सुंदर साथ खंभालिए से निकले थे वो भी तेज कुरी जी के साथ, जो सुंदर साथ सूरत के भी थे ना, वो सब क्या पहुंचे? धोरा जी। और सब सुंदर साथ आके किसको मिलते हैं? श्री जी को। किसको मिलते हैं? क्योंकि वहां श्री जी नाव में नहीं बैठे थे ने, अलग अलग हो गए थे ने, तो यहां आकर श्री जी सब सुंदर साथ को मिलते हैं। इस प्रसंग को हम आगे बढ़ाएं। और जब सब सुंदर साथ धोरा जी पहुंचते हैं तो वहां प्रेम जी थावर, उसने ये बात सुनी कि श्री जी सुंदर साथ सहित धोरा जी पहुंचे, तो तुरंत ही दौड़ के सब सुंदर साथ और श्री जी को लेने के लिए निकल पड़े और आके श्री जी और सुंदर साथ को मिलते हैं। और मिलने से इतनी खुशी होती है कि मेरा साथ यहाँ आया है, चलो वो बैलगाड़ी लेकर आए हैं। तभी तो ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी की कोई सुविधा नहीं थी, कोई कार या कोई बड़ी गाड़ी ये सुविधा तब नहीं थी। अभी किस में आए हो? बैल गाड़ी पर। और आके सब सुंदर साथ और श्री जी को मिलते हैं और सब सुंदर साथ और श्री जी को प्रेम जी भाई बोलते हैं कि तुम गाड़ी पर बैठ जाओ, चलना नहीं है, बहुत लंबा रास्ता काट कर आप आए हो, सब गाड़ी पर विराजमान हो जाओ। तो श्री जी सहित सब सुंदर साथ गाड़ी पर विराजमान होते हैं और गाड़ी पर बोझ ज़्यादा बढ़ जाता है, तो गाड़ी का पहिया नीचे रेतीली जमीन है तो उसमें धस जाता है, तो भी ऊपर जो गाड़ी वाले चलाने वाला ये क्या करता है,
बेल को चाबुक से मारता और चूया सोया जो है वो भोगता है, मतलब मारते हैं उसको। तो भी दोनों बैल हाँफते हुए ये बोझ उठाने के लिए बंधे हैं ने, कि जो मेरी गाड़ी पर बैठे है उसका बोझ ढोने का हमारा कर्तव्य है। बेचारे दोनों बैल हाँफते हुए सबका बोझ ढोते हुए आगे चल रहे। यही देखकर श्री महामती के धाम दिल से ये किरंतन उतरता है। ये तो मिहराज के नाम पर है किरंतन सुंदर साथ जी, लेकिन इसी समय मिहराज को पता ही नहीं है कि मेरे धाम दिल में स्वयं अक्षरातीत विराजमान है। धोरीड़ा मामू के तारी दूसरी, धोरीड़ा मामू के तारी दूसरी, वाटड़ी विषमी गाड़ी भार भरी, आरे तूने आरे मारे रे गोदे घणे रे, धोरीड़ा मामू के तारी दूसरी। और आगे क्या बताया, आरे तू तो ना के न थानो तू तो बोले बंधानो रे, हारे तू तो ना के न थानो बंध बंधानो गुण आपने रे, धोरीड़ा मामू के तारी दूसरी। सुंदर सा जी ये किरंतन मिहराज के अंदर उसके धाम दिल से उतरता है। उस किरंतन के माध्यम से धाम धनी हम सब आत्माओं को क्या प्रबोधित करते हैं। और यहाँ मिहराज अपने जीव को प्रबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीव, मरु के जीव को प्रबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीव, ये रेतीला रास्ता बहुत कठिन है। कैसा रास्ता है, ये धर्म का रास्ता। रेतीला रास्ता बहुत कठिन है और गाड़ी पर बहुत बोझ भी भारी है। तू अपने जुए से जोता है ना तेरे को, ये तू मत छोड़। अपने जीव को प्रबोधित करते हुए कहते इतना नहीं, और तेरे को गाड़ीवान चाबुक से सुए से मार भी रहा है, और तेरी नाक में रस्सी से तू बंधा भी हुआ है। इतना नहीं तो भी तेरे को ये सब का बोझ ढोने का जो तेरे कंधे पर ये जो दूसरी रखी है जोता गया है, ये भार उठाते हुए ये वहन करते हुए तेरे को आगे बढ़ना है। ये बोझ उठाते उठाए उठाते आगे चलना है। उसका भाव क्या है, यहाँ मिहराज अपने जीव को कहते, वो तो एक उसका भाव निकला। मिहराज अपने जीव पर प्रबोधित करते हुए कहते हे जीव, ये धर्म का रास्ता बहुत कठिन है और तेरे सिर पर बोझ भी भारी है, और बिहार जी महाराज तेरे को कदम कदम पर, अगले हमने देखा ने कल दोनों घटनाक्रम में नलिया में, के कदम कदम पर तेरे को कष्ट दे रहे हैं, तो भी तेरे को ये मार्ग को नहीं छोड़ना है। हे जीव, इतना नहीं, बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हैं, सतगुरु महाराज के कहे हुए वचनों का भी तेरे को पालन करना है, तो बस तू मौन होकर ये जागनी का कार्य तेरे सिर पर है, तेरे को चलना है। इतना नहीं, आगे बताया कि बिहारी जी महाराज कदम कदम पर कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि
ये व्यक्तिवाद की मानसिकता में गद्दी पर बैठे हैं ना, गद्दी पर बैठकर बस अपने को सर्वे सर्वा मान रहे और व्यक्तिवाद की मानसिकता से वो ग्रसित है। लेकिन तेरे को तो जागनी के कार्य में आगे बढ़ना है। और आगे बताया कि तू अवाचक है, तू गुंगा है, हे बेल तू गुंगा है, तू अवाचक, तेरे से बोला भी नहीं जा सकता, ये रास्ता भी कीचड़ और रेत से भरा हुआ है और उबड़ खाबड़ होने से तू हाफ भी रहा है। यहां क्या बताया इस प्रकरण इस चौपाई के माध्यम से कि गुरुपुत्र होने के नाते बिहारी जी महाराज के सामने हे जीव तू कोई प्रतिरोध नहीं कर पाएगा, तेरे को मौन होकर बस जागनी का उत्तरदायित्व तेरे सिर पर दिया है, उस पर तेरे को आगे चलना है। और बिहारी जी महाराज ने क्या किया कि वाणी का जो प्रचार हो रहा है उसको रोकने का जो काम किया है, तो जागनी की राह पर ये परम धाम की राह पर एक कीचड़ और रेत जो बिछी हुई है, कैसी अज्ञानता रूपी कीचड़ और रेत बिछी हुई है, उसी के कारण ये जागनी के राह में और जो जागनी रूपी रथ के पहिए ये कीचड़ में धंस रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इतना नहीं और आगे भी अपने जीव को प्रबोधित करते हुए महाराज कहते हैं कि हे जीव इस संसार में धर्म की राह पर चलना बहुत कठिन है, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में ये मांगा था कि मेरे तन पर अक्षरातीत लीला करे, ऐसी तूने कामना की थी। इस कामना को पूर्ण करने के लिए धाम धनी स्वयं तेरे धाम दिल में बैठकर लीला कर रहे हैं, लेकिन तेरे को बिहारी जी महाराज कदम कदम पर कष्ट दे रहे हैं, ये तेरे को सहन करने के लिए तेरे को आगे बढ़ना है, दुखी नहीं होना है, व्यथित नहीं होना है, क्योंकि कल भी तूने देखा कि खंभालिए के राजा को जाके जो चुगली करवाई एक व्यक्ति के द्वारा, तो इस चुगली से हे जीव तो व्यथित और दुखी हुआ, तो भी क्या करना है तेरे को हे जीव। महाराज अपने जीव को कहते हैं और हम किस पर लेंगे, हम इस प्रेरणा को हमारे पर लेंगे। महाराज को कहते कि बिहारी जी महाराज ने जब चुगली की तो खंभालिया के राजा ने सख्त जांच भी वहां करवाई, इतना नहीं आपका प्राण भी जोखिम में मुख रख दिया, तो भी तुम इस परीक्षा से भी पास हो गए। और आगे भी बताया कि तो भी तेरे को आगे तो बढ़ना ही है और जागनी कार्य में आपका 100% योगदान देना है। जीव तू वचनों से बंधा हुआ है, सबको परम धाम की राह पर ले चलने के लिए तेरे सिर पर सतगुरु महाराज ने उत्तरदायित्व दिया है, तो तू चल बस निराश न हो। तो इस प्रकरण के माध्यम से धोरीड़ा मां मुके तारी धोसरी इस प्रसंग के माध्यम से यहां तो महाराज ने अपने जीव पर लिया, लेकिन हम सुंदर साथ भी अपने पर लेकर इस वर्तमान समय में कैसे चलना है, सुंदर साथ जी कैसे चलना है, हमारे भी जागनी कार्य में कदम कदम पर एक अज्ञान रूपी दज्जाल खड़ा होगा, कदम कदम पर विरोध होगा, लेकिन बस हमारे अंदर हमको बल करना चाहिए। कैसा, आज मैं इस विषय पर एक चिंतन कर रही थी, कैसा बल, सुंदरसा जी राज जी ने बीतक के माध्यम से बताया है, वाणी के माध्यम से बताया है कि तुम तो केसरी सिंह हो, एक जगह ये भी कहा कि तुम्हारे अंदर बकरी जैसा बल, ठीक है बकरी जैसी
हमारे अंदर विनम्रता, गरीबाई, अंदर की शालीनता, धैर्य, ये सब होना चाहिए। लेकिन बल कैसा होना चाहिए हमारे अंदर? बल कैसा होना चाहिए? शेर जैसा। कैसा? कि तुम तो केसरी शेर हो, तुमको किसका डर, तुम्हारे तो सिर पर पल पल धामधनी की नजरे, पल पल मेहर बरस रही है। इतना नहीं, और आगे भी बताया कि हे सुंदर साथ जी, तुम्हारी रोशनी जैसे जैसे तुम इस जागनी के कार्य में आगे बढ़ते जाओगे, तो दिन प्रतिदिन ध्यान से दिन प्रतिदिन तुम्हारी रोशनी बढ़ती जाएगी। और अज्ञान रूपी दज्जाल, ये कोई व्यक्ति नहीं है, मानव मन में जब अज्ञान या अहंकार जो छिपा होता है उसको दज्जाल कहा गया है। कोई भी तन में ये दज्जाल बैठ जाता है और जागनी के कार्य को रोक लेता है। तो यहां क्या बताया कि तुमको अंदर से बल करना हो, तुम तो केसरी शेर हो, तुमको डरना नहीं है। ये माया की शक्ति तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी? तुम तो परम धाम की आत्मा हो, तुम्हारा तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि तुमने कोई स्वार्थ का काम सिर पर नहीं लिया है। तुम्हारा तो काम निस्वार्थ है, बस ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, बस ऐसे करते आप आगे बढ़ो। तो उसी प्रसंग के माध्यम से धामधनी ने क्या बताया कि तुम्हारे अंदर बल करना है, आने वाले समय में भी आप पर भी, आने वाले समय में आप पर भी कदाचित ऐसी कोई घटना घटित हो तो आपको कोई जागनी के कार्य से पीछे हटकर, निराश होकर पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ पल पल राज्य है, बस आप राज्य पर छोड़ दो, आप राज्य पर छोड़ दो, छोड़ दो कि भाई बस सब कुछ राज्य करेंगे, मैं कुछ नहीं हूँ धनी, मेरे अंदर क्या बल, मेरे अंदर क्या शक्ति, जो कराने वाले और करने वाले आप हो। तो इसी प्रसंग के माध्यम से राज्य ने सुंदर साथ जी हमको क्या प्रबोधित किया, ये जो किरण तन के माध्यम से धोरीड़ा मा मुके तारी दूसरी, ज्यादा विस्तार से न कहते हुए हम प्रसंग में आगे बढ़े। तो आगे श्री जी कहाँ ले जाते हैं कि जो सुंदर साथ पदम सी करके और भी सुंदर साथ श्री जी के साथ श्री जी की रस भरी प्रेम भरी चर्चा सुनते हैं और सुंदर साथ जुड़ते जाते हैं, वो भी 10 दिन तक सेवा में रहते हैं, वहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर घोघा पहुँचते हैं। घोघा 3-4 दिन रुक कर सुहाली से होते हुए सूरत पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं श्री जी? आज हम सूरत के प्रसंग में पहुँचेंगे। सूरत गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हमारी दोनों पुरिया, हमने नौतनपुरी का वर्णन तो विस्तार से सुन लिया जब वाणी अवतरण शुरू हुआ था, रास प्रकाश और खटरुति और कलश की दो चौपाई, तब हमने नौतनपुरी जो ये भी गुजरात में जामनगर आज का जो है वो उसी समय नवा नगर नौतनपुरी से जाना जाता था। तो पहला बीज कहाँ डाला गया? नौतन पुरी में। तब मैंने विस्तार से ये पुरी की महिमा समझा दी थी। और आज जो दूसरी मंगलपुरी की जो स्थापना की, और मतलब ये ज्ञान केंद्र की जो नींव रखी जा रही है, वहाँ भी जागनी अभियान शुरू हुआ और जो ज्ञान केंद्र की नींव रखी गई, क्या गांगजी भाई के घर चाकला मंदिर में, फिर ये नवा नगर नौतनपुरी, आगे जो उसके बगीचे थे वहाँ आज का जो निज मंदिर है, ये नवा नगर नौतनपुरी से जाना जाता है। आज हम सूरत में सैयदपुरे में पहुँचेंगे जहाँ मंगलपुरी की स्थापना की जाएगी। और भीम भाई अपने अगुवानी लेकर आगे होकर कैसे ये जागनी का कार्य आगे बढ़ाते हैं, इस प्रसंग को लेकर सुंदर साथ जी हम कहाँ पहुँचे आज? सूरत में। ठीक है, तो सूरत के अंदर
हम छुपाई को जोड़ते हुए तहाँ से सुहाली उतरे फिर आए सूरत तय सैयदपुरे भगवान के मोहनदास के रहे इत। तहाँ से सुहाली से सूरत पहुँचे और सबसे प्रथम हम मोहनदास अमीन करके जो वहाँ एक पुष्टि मार्ग राधा वल्लभी मार्ग के अनुयायी थे वहाँ हम सब सुंदर साथ उतरे और वहाँ जाके श्री जी ने चर्चा प्रारंभ कर दी। किस विषय पर? ध्यान से सुनिए, किस विषय पर? द्विधा लीला, क्योंकि वहां राधा वल्लभी गोसाई जी परंपरा पुष्टिमार्ग संप्रदाय का बहुत प्रचार प्रसार उसी समय सूरत में था। जैसे हमने जामनगर में देखा ने, वैसे वहां भी सूरत में भी राधा वल्लभी मार्ग का बहुत प्रचार प्रसार था। तो वहां श्री जी ने जो विष्णु स्वरूप कृष्ण है उसका निराकरण, उसका स्पष्टीकरण कि 112 साल, 125 साल और जो आगे से लो तो 11 साल और 52 दिन तक की कौन सी लीला हुई, तो अक्षरातीत के जोश और आवेश के साथ और 11 दिन की गौलों की शक्ति की लीला हुई और उसके बाद 112 साल द्वारिका और मथुरा की जो लीला हुई, जब विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण जी का जब निराकरण स्पष्टीकरण किया गया तो वहां जो राधा वल्लभी मार्ग के अनुयायी थे वो विवाद खड़ा करने लगे, वो झगड़ा करने लगे। देखो हर जगह पर कदम कदम पर श्री जी के साथ दज्जाल क्या कर रहे हैं, वहां वो लोग झगड़ने लगे, विवाद खड़ा कर दिया और मोहनदास अमीन को विश्वास भी आ गया, ईमान भी आ गया, वो साथ जुड़ गए। तब उन लोगों को लगा, राधा वल्लभी मार्ग वाले को, कि अरे ये लोग कहां से आए, देख आज मोहनदास के घर में बैठकर हमारे ही कृष्ण का आज स्पष्टीकरण करके ये तो अपने संप्रदाय की और महिमा गा रहे हैं और ये कृष्ण को तो नीचा दिखा रहा है। तो जैसे ही ऐसा सुना तो उसने विरोध खड़ा कर दिया। तो वहां श्री जी ने सोचा कि चलो मोहनदास अमीन के वहां नहीं रहना है, हम आगे बढ़े। पास में ही शिव जी भाई का घर था। किसका घर था? शिव जी भाई का घर था। तो शिव जी भाई के घर में सब सुंदर साथ आके ठहरे और वहां श्री जी ने चर्चा प्रारंभ कर दी। सुंदर सा जी ध्यान से सुनिए, ये कोई शिव जी भाई या मोहनदास अमीन की बात नहीं है, यही अभी वर्तमान में लो या श्री जी के समय में भी लो, तभी भी चर्चा चलती थी अलग अलग स्थानों में, हर शहरों वो लो अलग अलग ग्रामों में और वहां बंगला जी दरबार में भी हमने सुना और आगे भी सुनेंगे। हमने एक दो दिन पहले प्रारंभ की चर्चा में सुना था और आगे भी हम पन्ना की वितक में सुनेंगे कि कैसे कैसे दज्जाल खड़ा होता है और कैसे कैसे विरोध खड़ा करता है कि जिस दिल में अज्ञानता भरी हुई है। तो यहां शिव जी भाई के घर श्री जी ने चर्चा शुरू कर दी और शिव जी भाई और राम जी भाई सुंदरसा जी ये दोनों भाई थे। तो यहां शिव जी भाई और राम जी भाई की कोई चर्चा नहीं है, उसका कोई घटनाक्रम नहीं है, जो मैंने बात अभी आधी छोड़ी। तो यहां मैं ये कहना चाहती हूं सुंदर साहब जी कि जब हम सत्य की ओर आगे बढ़ेंगे, परम धाम की राह पर चलने के लिए जब आगे बढ़ेंगे तब कदम कदम पर हमारा भी विरोध होगा, क्योंकि सत्य जाहिर हो रहा है तो ऐसे अज्ञान को कैसे सहन होगा, क्योंकि अपनी मान्यताएं, अपना पद, अपना प्रतिष्ठा, अपना मान ये सब छीना जा रहा है तो कैसे सहन कर पाएंगे। तो यहाँ बल करने की बात बताई गई है और यहाँ शिव जी भाई और राम जी भाई के प्रसंग से आगे धाम धनी क्या सुनाना चाहते हैं, या आप ध्यान से सुनिए।
या शिव जी भाई और राम जी भाई दोनों भाई थे। श्री जी ने वो दोनों सदगुरु समय, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के समय उसने तारतम ग्रहण कर लिया है, लेकिन अंदर अभी पूर्ण पहचान नहीं बनी है। किसकी बात है ये? शिव जी भाई राम जी भाई ने तारतम ग्रहण कर लिया था, लेकिन अभी अंदर पहचान बनी नहीं है। हम भी अंदर जाके पूछे अपनी आत्मा को, अपने जीव को, कि इतने साल से हम भी वाणी पढ़े, तारतम ग्रहण कर लिया, अभी भी कदाचित हमने भी पहचान नहीं की होगी, तभी तो आज ये वित्तक के घटनाक्रम से राज जी हमको समझा रहे, सिखापन दे रहे कि जाओ यहाँ शिव जी भाई और राम जी भाई को नौतनपुरी भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? तभी तो नौतनपुरी सूरत पहुंचे, तो वहां से नौतनपुरी एक ही तो स्थान खड़ा हुआ था। हर जगह अभी कोई ज्ञान केंद्र जो खड़े हुए हैं अभी अभी के वर्तमान में, ये तभी थोड़ा था। दूसरा, ध्यान से सुनिए इस प्रसंग को, तभी ये वाणी भी अभी उतरती जाती थी, तो वाणी भी नहीं थी, तो हलो चलो बोले कि मंदिर में या इसी स्थान में वाणी रखिए, चलो जाके वहां प्रणाम करो या वाणी की चर्चा सुनो, ये भी नहीं था। समझ में आया? तभी ये भी नहीं था। श्री जी स्वयं चर्चा कर रहे थे, धामधनी की स्वयं प्रत्यक्ष लीला चल रही थी, तो क्या बोला कि तुम नौतनपुरी जाओ। दूसरी और एक बात रखू कि दोनों को यह भी पहचान करवानी थी कि बेचारे भोले सुंदर साथ को ज्ञान के अभाव से, समझ के अभाव से, विवेक के अभाव से ये पहचान करवानी थी कि श्री सतगुरु महाराज के अंदर जो युगल स्वरूप की बैठक थी, ये बैठक अभी क्या बिहारी जी महाराज जो गादी पर बैठे हैं उस दिल में है या मेरे दिल में है? श्री जी का क्या भाव था कहने का कि जाओ तुम नौतनपुरी जाओ और वहां देखो कि ये बैठक वहां है या मेरे दिल में है। तो ये दोनों नौतनपुरी पहुंचेंगे, वहां की लीला देखेंगे, तब तो पता चलेगा कि कहां बैठक है। तो पहले कौन जाते हैं? शिव जी भाई, वो धनवान भी थे, प्रतिष्ठित थे, तो घोड़े पर सवार होकर गए होंगे, जल्दी से पहुंच गए और वहां पहुंचकर बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और पांच मोहरे भेंट की, क्योंकि पैसादार थे ना, धनवान थे, पांच मोहरे भेंट की। और जैसे ही वहां पहुंचे ने, तो उसका तो वेश, उसकी वेशभूषा बहुत सुंदर थी, जैसे कोई धनवान आए हैं ऐसा देखकर द्वारपाल ने भी अंदर जाने दिया और बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके पांच मोहरे भेंट की। तो बिहारी जी महाराज ने क्या बोला? उस सिर पर वरद अस्त्र रख के कि तुम्हें, तुम्हारी आत्मा जागृत हो गई, तुम तो परम धाम की आत्मा हो। क्योंकि क्यों बोला कि उसके चरणों में पांच मोहर भेंट की और उसको पूरा सम्मान मिला, वहां सुविधा भी मिली और उसके पीछे बिचारे पैदल चलकर रामजी भाई पहुंचे। कहाँ पहुंचे? नौतनपुरी। और जैसे ही दरवाजे के बाहर पहुंचे, उसकी दिनहीन, ध्यान से सुनिए, उसकी दिनहीन अवस्था को देखकर द्वारपाल ने दरवाजे से रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, पहले मैं बिहारी जी महाराज को पूछ के आऊं। मैं कल भी उसको विस्तार से इस प्रसंग को दूसरे प्रसंग के माध्यम से समझाया था कि देखो, तभी आज से 400 साल पूर्व भी क्या स्थिति थी मंदिरों की, जो मंदिर की एक नेतृत्व, एक संस्थापक, एक लीडर, एक गादी संभालने वाली व्यक्ति जो इस धर्म का विरुद्ध कार्य करेगी तो समाज में उसके नीचे
नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के अंदर में जो सुंदर साथ समाज ये राह पर चलने वाले हैं, उसको तो एक सिखापन मिलनी चाहिए। उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर क्या असर पड़ेगी? उस प्रसंग के माध्यम से क्या बताया? क्या मंदिर में कोई गरीब व्यक्ति बिचाली, कोई नेपाल, कोई काठमांडू, कोई सिक्किम, कोई दार्जिलिंग, कोई कलिम्पोंग, कोई सिलीगुड़ी, या कोई गुजरात में, या कोई यूपी, कोई एमपी, या कोई अन्य प्रांत से, पंजाब, हरियाणा, या चाहे कोई भी स्थान से बिचारी कोई गरीब व्यक्ति आई, छोटे से एक एटेची में या छोटे सी एक पोटली में दो जोड़े कपड़े लेकर आई है, क्या उसी धाम, उसी के धाम दिल में अक्षरातीत की बैठक नहीं है? क्या हमारे जैसे, मैं अपने पर आज तो ले लूं, ठीक है, मेरा प्रसंग कई बार आया ही नहीं, क्या ज्योत्नाबेन कोई हाईफाई गाड़ी में बैठकर यहां आए, जो सुन रहे हो और सुन कल सुनेंगे, जो सुंदर सा ध्यान से सुने इस प्रसंग को, ठीक है, तो उसको पूरी वीआईपी सुविधा यहां मिले, क्योंकि ज्योत्नाबेन तो बहुत सी सेवाएं संभाल रही है ना, क्योंकि स्वामी जी भी कई बार यहां मन से भी कई बार प्रशंसा कर देते, मैं बार बार मना करती हूँ, लेकिन पता नहीं जिस दिल में जो शोभा बैठ चुकी है, तो राज्य कहला देते होंगे, मैं इसी बात को तो कैसे रोक सकती हूँ। बाकी तो सब सुंदर साथ की बैठक उस दिल में है, सुंदर साथ दी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को यहाँ वीआईपी सुविधा मिले और सब मेरे चरणों में गिरे, मेरे को आजी जी जी साहेब हजूर करें और ऊंचे आसन पर बैठने को मिले, खाने पीने की ऊंची व्यवस्था मिले, घूमने के लिए यहाँ मेरे पास एक प्राइवेट गाड़ी हो और अच्छे अच्छे मतलब सब सुविधा मिल जाए, और पीछे से कोई बिचारे में जो नाम लिया उसी स्थान से कोई गरीब सुंदर साथ आ जाए, उसी को बिचारे को पानी का पूछा ना जाए, खाने पीने का, चाय नाश्ते का, जलपान का पूछा ना जाए। सुंदर सा जी सुनिए ध्यान से, उसी समय उस सुंदर साथ के दिल की क्या व्यथा होगी, क्या स्थिति होगी, क्या आप रामजी भाई के प्रसंग को लेकर आप उसी समय के चिंतन में डूबिए। अभी वर्तमान की बात को लेकर मैं समझा रही हूं कि क्या हाल हुआ होगा, क्या परिस्थिति खड़ी हुई होगी। तो यहां दिनहीन अवस्था को देखकर राम जी भाई को प्रवेश नहीं करने दिया, 3 दिन रोते बिलखते रहे, लेकिन किसी को दया नहीं आई, अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। वो बिचारे अपनी सब आशाएं वहां टूट गई, असफलता मिली, प्रयास तो किया, निराश होकर वो श्री जी के पास वापस लौटे। ये कोई 400 साल पूर्व की घटना नहीं है, आज हम भी हमारे समाज में कई ऐसे स्थान है, मैं कोई एक स्थान को लेकर नहीं बोल रही हूँ, क्षमा करना मेरे को, आज जो जो स्थान पर ऐसी आज लीलाएं हो रही है, ऐसी आज व्यवहार हो रहे धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, ये सब सुंदर साथ को आज मैं का आह्वान कर रही हूँ कि पैसादार लोग आए, बड़े बड़े मंदिर आज जो हमारे बड़े बड़े स्थानों में बने हैं, वहाँ उसको पूरे उतारे की, रहने की, खाने पीने की सुविधा मिल जाए, और गरीब आए उस विचारे को तो बाहर से मना किए, अभी तो ऊपर से अपना कोई सामान भी नहीं उतारा, पानी पूछने का भी अभी कोई अभी मौका नहीं दिया, तब तो उसको बाहरी पर वहाँ से निकाला दिया जाए। सुंदर साथ की सुंदर साथ जी ये कहाँ की रस्म है, ये कहाँ की रीति है? एक एक प्रसंग को आप ध्यान से सुनिए। ये अभी तक मैं पहले से भी मना करती कि मेरे को अभी तक नहीं करनी है, मैं अभी तक कर ही नहीं पाती, और मैं करूंगी तो ये कड़वा है लेकिन सत्य है।
मैं प्रैक्टिकल ही करूंगी। क्या आज हम सुंदर साहब जी आज मेरे को जवाब दीजिए, क्या आज ये स्थिति को हम नहीं देख रहे हर स्थानों में, कई कई स्थानों में नहीं देख रहे क्या? बेचारे गरीब को तो कोई पूछते ही नहीं है। यही प्रसंग को लेकर धामधनी और सुंदर साहब जी हम भोग में क्या बोलते हैं, एक ले चली साक कटोरी तापे छीन ले चली दूसरी तीन थे जोटी ले चली तीसरी चौथी वापे ते ले दोरी। अब ध्यान से सुनिए आगे, जो कदी छीन लेते हैं जीन पे पर रोशन का हो किन पे, रोज बोलते हैं कितना दिल में लिया, क्या परम धाम की हमारी रीति है, क्या रसम है, क्या एक दूसरे का प्यार है, क्या लाड है। वहां तो हमारा दूसरे के श्रृंगार में हमारा श्रृंगार था, दूसरे की सेवा में हमारी, मतलब जो भी मैं एक एक बात को कितना विस्तार से बताऊं, समय साथ नहीं दे रहा है। कैसे एक रसोई की हवेली में, एक ही रसोई घर में, एक ही थाली में, वहां कोई ऐसी चीज नहीं है, वहां तो मंचा आया है, लीला के रूप में बता रही हूं। कैसे भोजन चौरस हवेली में, प्रथम चौरस हवेली में चबूतरे पर बैठकर इस जो ब्रह्मात्मा यहाँ विरोध कोई कर रही है वो वहां सामने बैठकर कैसे चबूतरे पर हम भोजन करते थे, आज यही सामने बैठकर हमारा विरोध कर रही है, वहां जाके हम कैसे सिर ऊंचा करेंगे। बिचारी को पता ही नहीं है बोली को कि हमारी परम धाम की वाहदत की क्या लीला थी, सब कुछ हम यहां बोल गए हैं। एक ही अलमारी में हमारे सबके वस्त्र, सबके आभूषण, सबके श्रृंगार और एक ही सुखपाल, सब साथ में बैठकर आज एक गाड़ी में दो भी बैठना नहीं चाहते हैं। इसमें भी जो कोई गरीब आ जाए ना तो उसको तो बैठने भी नहीं देंगे हम। क्या लीला थी सुखपाल की, क्या लीला था तख्तरवा की, बारह बारह हजार ब्रह्मात्माएं तख्तरवा में बैठकर एक साथ कैसे बीच में युगल स्वरूप, आसपास में पशु पक्षी की सवारी, कोई आसमान के पशु पक्षी आसमान में, कोई जमीन के पशु पक्षी जमीन में, कैसे आगे केसरन की हार, बाघ की हार, सुंदर साजी बंदरों की हार, आगे कैसे सिरबरारी निभाते थे, कैसे अपनी अपनी सेवा में हाजिर, वो सुख कहाँ गए। यहां इस प्रसंग के माध्यम से राजी क्या बता रहे, बस एक दूसरे को लाड कर लो, बस प्यार कर लो, कितने दिन संसार में रुकना है। मैं तो यह कहूंगी कि गरीब से गरीब से सुंदर, गरीब से भी गरीब सुंदर साथ को तो ज्यादा लाड दो, उसको तो गले लगा लो, इतनी धन धन और उतनी धन धन, ये प्रशंसा राज्य के मुख से होगी। विचार कीजिए यहां की जो लीला घटित हो रही है उसकी भी तक लालदासी ने लिखी 4377 चौपाई में लिखी, तो धामधनी ने लालदासी के तन से यहां की, और यहां जो जागने की भी तक हो रही है अभी अंतिम, ये स्वयं धामधनी अपने मुख से मूल मिलावे में सिफत गाएंगे कि मेरी लाडली क्या रिझा के आई है, क्या सेवा करके आई है, जो बड़ा बड़ा दावा करके गई थी वही करके आई है। यहां राम जी भाई सब आशा टूट गई, श्री जी के चरणों में वापस लौटे,
सुंदर सा जी एक ध्यान से सुनिए, हम सब जगह से टूट जाते ना तब अंतिम किसका सहारा होता? सब जगह से व्यक्ति जब टूट जाती तब अंतिम किसका सहारा? जाब जवाब दीजिए। हम जब परिवार से टूट जाते, सगे संबंधी से टूट जाते तो कोई हमारा है ही नहीं, तो अभी हम कितने मोह से बंधे हुए हैं जो अनादिकाल से है। एक पीढ़ी आती है, परिवार परिवार के रिश्ते बच्चे सगे संबंधी में इतनी फंस जाती है, बस वही हमारा सब कुछ है। इतनी मोह में लोकेशना दारेशना वितेशना, ये तीन तो इतनी वो है, तो इतनी बंद जाती, उसको ऐसा लगता है भाई यहाँ ही पखंड रहेंगे। फिर वो चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, वो भी ऐसे फंस कर चली जाती है। पता नहीं कई कई हमने जन्म धारण किए, कई कई बार में किसकी पत्नी बनी होगी, किसकी में किसका मैं पति बना होगा, या किसके बच्चे बनकर किसके किस संबंधों में मैं आई होगी, कितनी बार जन्म लिया होगा, कितनी माँ के स्तनपान से मैंने दूध पिया होगा और कितनी योनियों में पिया होगा, कितनी लीलाएं की होगी, ये सब कोई कुछ याद ही नहीं, बस आए ऐसे मैं क्या कहूँ। जैसे कीड़े मकोड़े की तरह ये संसार में जैसे अनंत जीव आते हैं, जन्मते हैं, सुख दुख भोगते हैं, फिर चले जाते हैं, वैसे ही क्या ब्रह्मात्मा की ऐसी रहनी कितनी शोभा देती है, कितनी शोभा देती है। तो भी संसार का मोह नहीं छूटता, परिवार का नहीं छूटता, बच्चे का, पिता का, पति का, किसी का नहीं छूटता। जो अनादिकाल से जिसके साथ हमारा संबंध था, है और अनादिकाल तक रहेगा, उसको तो हम सब कुछ भुला बैठे हैं। और मैंने बोला कि सबसे संबंध टूट जाता है तब अंतिम किसका सहारा होता है? हमारा राजी, एक हमारे सतगुरु, और कोई नहीं है इस संसार में। यही तुम्हारी भूल है जो बंधन याही बात, यही तुम्हारी भूल है जो बंधन याही बात, यही फरामोशी तुमको, यही फरामोशी तुमको जो भूल गए हक जा त्रुहल्ला आशिक मेरा नाम, रुहल्ला आशिक मेरा नाम। धामधनी ने क्या बताया? यही तुम्हारी भूल है जो बंधन याही बात, भूल तुम्हारी यह हुई कि सब बंधन में आप खुद फंसे हो, आपने खुद ने आती मार रखी है, आप खुद रस्सी से बंधे हो। मैंने एक दिन बताया था ना, ये बुक को मैंने पकड़ा है, बुक ने मेरे को नहीं पकड़ा है, ये बुक को मैंने पकड़ा है, ये बुक ने मेरे को नहीं पकड़ा है। सुंदर साथ जी, यही फरामोशी मतलब यही परत हमको राज्य को मिलने ही नहीं दे रही है। तो राज्य हमको राम जी भाई और शिव जी भाई के प्रसंग से क्या प्रबोधित किया इस प्रसंग के माध्यम से, कि सबको एक समान प्रेम करो। जो गीता कहती है कि ईश्वर सर्वभूताना हृदय तिष्ठन्ति अर्जुन, हे अर्जुन योगेश्वर कहते हैं कि तू सबके अंदर एक चैतन्य को देख, सबके अंदर एक आत्मा को देख, तो हम तो परम धाम की ब्रह्मात्मा है, सबको प्यार करो बस। तो यही बात जब श्री जी को पता चला तो उसका महाराज का जीव भी दुखी हुआ। उसने विचार किया, क्या विचार किया, क्या विचार किया कि अरे बिहारी जी के अंदर परमधाम की रतनबाई की तो वासना बैठी है,
लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की थोड़ी सी भी सुगंधि नहीं है, तभी तो ऐसे काम वो कर रही है। और आगे सुंदर साहब जी इसी प्रसंग में बताया कि बिहारी जी महाराज के दिल में ये शक बैठी, ध्यान से सुनिए, कि मैं जिसको बाहर काटता हूं, कल हमने धारा भाई का प्रसंग सुना, आज हमने राम जी भाई का प्रसंग सुना, तो इस प्रसंग के माध्यम से धनी बता रहे कि बिहारी जी महाराज के दिल में यह संशय पैदा हुआ, ये शक पैदा हुई कि मैं जिसको बाहर काटता हूं उसको मिहराज अपने सुंदर साथ में शामिल करते हैं। देखो ये मेरे की तो कोई बात ही नहीं मानते, मैं गादी पर बैठा हूं, ये मेरे आदेश को नहीं मान रहे हैं। इतना नहीं, ये सतगुरु महाराज की चलाई हुई गादी है, वो अपने को ही सर्वे सर्वा मान रहा है। ये चौपाइस के माध्यम से पुरवार किया धामधनी ने कि बिहार जी महाराज के दिल में ये संशय पैदा हुआ। तब जाके श्री जी ने एक घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? कि चौपाई में सीधा बताया। तब श्री जी साहेब जी ने कहिया, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती ना छोड़े, पकड़ के पहुंचावे कहां? परम धाम युगल स्वरूप के चरणों में। तब इंद्रावती जी ने, श्री जी ने एक घोषणा कर दी कि मैं हमारे समाज के चाहे कोई उपेक्षित सुंदर साथ हो, चाहे कोई असहाय सुंदर साथ हो, कैसे, कोई धार्मिक, कोई सामाजिक, कोई भी राह पर बिचारे असहाय हो, लूले हो, पांगले हो, गरीब हो, कोई भी सुंदर साथ हो, इंद्रावती ने बोल दिया कि मैं ऐसे सुंदर साथ को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मतलब ये सब अलग अलग प्रांत में, अलग अलग देश में, अलग अलग जाति में, अलग अलग वर्ण में, अलग अलग स्थान पर मेरी ब्रह्मात्मा आई है। बताया कि झंडा गाड़िया प्रेम का चौदिस पीयू पीयू होई, ना जानो इन झुंड में कौन सुहागिन होई, पता नहीं कहां कहां ब्रह्मात्मा माया के अंधकार में फंसी है, तो मैं कहीं से भी निकाल कर, असहाय हो या आगे बढ़ने वाले हो, सबको मैं निकाल निकाल कर राज्य की, धाम की और धनी की बात बताकर मैं सबको परम धाम की राह पर ले चलकर युगल स्वरूप के चरणों में मैं पहुंचाऊंगी। ये मेरे को उत्तरदायित्व मिला है। और इस समय गोवर्धन भाई भी ध्यान से, अबासी बंदर से अभी हमको राजाराम भाई मेहता वाले और जांजन भाई मिलने वाले हैं। इससे पहले सूरत में कौन मिलते हैं? सूरत में कौन मिलते हैं? गोवर्धन भाई अबासी बंदर से आते हैं। और सूरत में हमारी कितने महीने तक जागनी कार्य शुरू रहेगा? उसी टाइम, वो अभी तो जागनी कार्य की बात नहीं है, उसी टाइम 17 महीने तक, विक्रम 1729 में हम सूरत पहुंचे। कहां? सूरत। और 17 महीना तक वहां जागनी का कार्य पूर्ण जोश में चलेगा। तो यहां धामधनी अबासी बंदर से गोवर्धन भाई आए। आने के बाद श्री जी सीधे ही श्री जी के चरणों में प्रणाम किया। ये किसकी बात है? एक एक प्रसंग को हम समझे, किसकी बात है? गोवर्धन भाई की नहीं, गोवर्धन भाई हम है। क्योंकि उसने आके क्या किया? अपना तन, अपना मन और जितनी धन संपत्ति घर में थी, ध्यान से सुनिए, जितनी धन संपत्ति अबासी बंदर में थी वो सब कुछ लेकर आ गए। हम क्या करते? उसी जगह, ध्यान से, उसी जगह हम होते मंदिर में, आज वही तो राज्य है जहां श्री जी की प्रत्यक्ष लीला चल रही थी। आज हम कोई पुरी, कोई मंदिर, कोई आश्रम, कोई स्थान पर जाए, घर से तो विचार आया कि चलो 5,000 लेके जाऊं या 11,000 लेके जाऊं, एक दिन की रसोई देनी है या 5,000 और सेवा में लगाना है, ठीक है, यहाँ के फिर मन में कोई दज्जाल बैठ जाता, फिर विचार बदल जाता।
5000 तो अंदर से निकाल, फिर 2000 जेब में डाल देंगे कि नहीं नहीं ऐसा करो आज 2000 ही लिखवाओ, फिर दोबारा तो यहाँ तो भाई बार बार प्रोग्राम होता रहता है, बार बार भंडारा होता रहता है, बार बार सेवा लिखवानी पड़ती है। ये संस्थाएं तो चलती रहेगी क्या हर बार भंडारे में लिखवाते रहे, हर बार क्या सेवा करता रहे? हम तो अकेले हैं देखो, तो क्या विचार आ जाता जेब से निकालने के बाद फिर भी फिर रिटर्न हम क्या करते हैं वापस जेब में डाल देते, क्योंकि हमारा अभी इस स्थिति पर त्याग नहीं बना है, इस स्थिति पर समर्पण नहीं बना है। यहाँ गोवर्धन भाई अभी तो आए हैं, अपना तन मन सुंदर साजी, मैं ये नहीं कह रही कल सरसावा से, सरहानपुर से या कहीं भी से हमारे सुंदर साध आए हैं पंजाब गुजरात के, भाई घर का सब कुछ धन संपत्ति लेके आओ और यहाँ ज्ञानपीठ में सब लिखवा दो, ज्ञानपीठ की नाम पर रजिस्ट्री करवा दो, मैं ये नहीं कह रही हूं। क्या बताया धाम धनी ने कि तुम्हारी पहचान के स्तर पर तुम्हारा त्याग कितना है, देखो गोवर्धन भाई को। और आने के बाद श्री जी के चरणों में प्रणाम करके क्या बोला कि हे धाम धनी, मैं आपके चरणों में मेरा सब कुछ सौंप चुका हूं, आप बीत तक पढ़ लीजिए ना कमरे में जाके, मेरा कुछ नहीं रहा, आप आदेश में से चलूंगा, आपके हुक्म तले में चलूंगा। और श्री समय सुंदर साजी श्री जी की सेवा में वो समर्पित हो जाते हैं और आगे और प्रसंग बदलता है, देखो उसमें बहुत से प्रसंग आएंगे। अभी भीम भाई और श्याम भट्ट ये दोनों वेदांत के महान आचार्य है, देखो श्री जी ने फिर हम अगले प्रसंग को याद करते हुए पहले जूनागढ़ में अर्जी व्यास को कैसे ज्ञान अहंकार को समाप्त किया श्री जी ने, ठीक है, फिर लालदासी को चिंतामणि कितने शिष्यों के साथ एक सूर्य उड़ाए के, यहां जो देखो अलग अलग स्थानों में यहां वेदांत के वहां भागवत के आचार्य थे, लालदासी हो या हरजी व्यास हो चिंतामणि कबीरपंथी थे ना, यहां वेदांत के आचार्य कौन है भीम भट्ट और श्याम भट्ट। श्री जी की चर्चा पूरी जोश में आवेश में अवलोकिक ज्ञान की बारिश होने लगी तो पूरा सूरत नगर में शहर में बात फैल गई, प्रसर गई जन जन तक, तो वहां से और लोगों को आने लगे, भीड़ बढ़ने लगी, कहां शिव जी भाई के घर में। तो भीम भाई और श्याम भट्ट ने भी ये बात सुनी, वो दोनों दर्शन करने के लिए आए, पहले तो दर्शन करने के लिए आए, श्री जी की अवलौकिक ज्ञान की चर्चा सुनकर वो वहां ही बैठ गए। बैठने के बाद इतना नहीं सुंदर साथ जी, इतना आनंद आया कि वो रोज आने लगे, हम तो अभी तक में भी 2 दिन आएंगे 3 दिन फिर नहीं आएंगे, या क्या बताया कि वो रोज आने लगे। और श्री जी ने भी उन दोनों को इतना लाड दिया, इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया कि वो दोनों भाई पवित्र निर्मल दिल के थे, आपस में इतना पारस्परिक प्रेम भी था, तो दोनों साथ मिलकर दोनों भाई आने लगे और श्री जी की चर्चा सुनने लगे और सुन के धन्यवाद भी देने लगे। सुनते सुनते अंदर एक अवस्था बनती गई, अवस्था बनती गई तो एक दिन दोनों के दिल में विचार आया, किसकी ये कहानी चल रही है, हम कितने समय से चर्चा सुन रहे हैं, कितने लोगों की सुनी, कितने विद्वानों की सुनी, कितने परमहंसों की, हमने अभी तक कोई धर्म ग्रंथे पढ़े, वाणी कोई भी हमने बुके पढ़ी होगी, यहां क्या बताया, वो तो वेदांत के आचार्य है। जैसे अवस्था बनी तो उसके अंदर एक परब्रह्म, एक अक्षरातीत को जानने की इच्छा पैदा हुई,
तो उसके अंदर जैसे इच्छा पैदा हुई तो रोज प्रतिदिन आने लगे। और सुंदर साजी जो सृष्टि बनी हमारी, ध्यान से, हमारी जो सृष्टि बनी वो बनने का जो छह जो प्रमुख कारण है उसमें जो निमित्त ब्रह्म की व्याख्या ये वेदांत दर्शन में है। और दर्शन छह है, सांख्य, मीमांसा, वेदांत, पतंजल, योग और वैशेषिक। उसमें वेदांत दर्शन है, एक वेदांत के ही दोनों आचार्य है और अन्य दर्शन के नहीं। और आगे धामधनी ने बताया कि वो दोनों के दिल पवित्र थे, अंदर कोई राग द्वेष नहीं था, तो उसी के अंदर और जिज्ञासा बढ़ती गई। क्योंकि श्री जी की जो चर्चा है वो सर्वदेशी चर्चा थी, सब धर्म ग्रंथों को प्रमाण लेकर श्री जी चर्चा बता रहे थे, तो चर्चा सुनते सुनते उसकी अवस्था और बन गई। और सबके अंदर, जिसके अंदर राग द्वेष नहीं होता, ने घृणा नहीं होती ने सुंदर साथ जी, वो सबके अंदर एक चैतन्य को देखता है, सबके अंदर एक समान आत्मा को देखता है। तो यहां अजुर्वेद के एक प्रमाण दिया गया है, अजुर्वेद के 40वें अध्याय के, इस अध्याय को ईशावासीय उपनिषद कहते हैं और सब उपनिषदों का ये मूल आधार है। तत्र कोह शोक कह मोह यो अनुपस एकत्वम अनुपश्यन्ति। क्या बताया कि जो सबके अंदर एक चैतन्य को देखता है वो शोक और मोह से परे हो जाता है। इतना नहीं, आगे भी जैसे जैसे सब धर्म ग्रंथों की साक्षियां देकर श्री जी समझाते जाते हैं, तो यहां श्याम भट्ट भीम भट्ट को कहते हैं, भीम भाई अब सावधान हो जाइए, अब सुनिए, देखो श्री जी तो क्षर से परे, मतलब नारायण से भी परे, अक्षर और अक्षर से भी परे, अक्षरातीत की बात करते हैं। कैसे? तो यहां ये भी प्रमाण वेदों के दिए गए हैं कि वेदांत दर्शन के जो सूत्र है दो, कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्य अतः, क्या कि ब्रह्म है जिज्ञासा का विषय है, ब्रह्म को जानने का विषय है। और जो सृष्टि का पालन पोषण और संहार करने वाले अक्षर ब्रह्म है, वो अक्षर ब्रह्म के अंदर जो वेदों का मूल प्रतिपाद जो विषय है अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के अंदर जो वेद है वो वेद भी अक्षर को जानने की इच्छा करते हैं। यद अक्षरम वेद विदो वेदो विदु, क्या बताया कि वो अक्षर को जानने की इच्छा करते हैं, वो अक्षर भी से भी परे जो अक्षरातीत है वो कौन है? अक्षरात परत पर, वो अक्षर से भी परे अक्षरातीत है। तो चलो भीम भाई, ये ध्यान से सुनना चाहिए, ये तो बहुत आगे की बात बता रही। इतना नहीं, और आगे भी भीम भाई को सावधान किया श्याम भट्ट ने, और सावधान कर रहे हैं तब तो भीम भाई की नजर खुल गई। यहां बताया कि भीम की दृष्टि खुल गई, आत्म दृष्टि खुल गई। और आगे श्याम भाई जब बता रहे, क्या बता रहे कि हे भीम भाई, वेदांत तो क्या बताते हैं, सिर्फ एक नारायण तक, और हम भी सर्वव्यापक जो सत्ता है नारायण की, उस सत्ता को हमने परब्रह्म का स्वरूप मान लिया था, लेकिन वो नारायण तो जो दूसरा पुरुष अक्षर है, अक्षर के
मन के स्वरूप अव्याकृत है, यह अव्याकृत के भी स्वप्न के स्वरूप यह नारायण से यह मोह सागर उत्पन्न हुआ है। एक दिन महाप्रलय में यह मोह सागर लय को प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद नारायण और नारायण भी अव्याकृत में लीन हो जाता है। तो हमारा वेदांत दर्शन का मूल विषय कहाँ रहा? तो श्याम भाई और भीम भाई ये दोनों आपस में ये बात कर रहे हैं, और आगे जाके ये दोनों ने स्वीकार कर लिया और श्री जी के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके दोनों ने अपने जो पूर्व गुरु शंभु नाथ थे उसको छोड़ दिया और श्री जी के चरणों में प्रणाम करके तारतम ज्ञान ग्रहण करके निजानंद संप्रदाय में शामिल हो गए। बोलिए श्री प्राणनाथ। तो देखो सत्य ग्रहण करना, इस प्रसंग से हम ये बोध लेंगे कि आज लोग संसार के अन्य जो लोग हैं और ऐसे ही कई हजारों जो मत पंथ पैड़े चल रहे हैं उसी के अंदर सत्य की खोज नहीं करते, बस सब वाड़े में बंधे हुए हैं और कहीं अपने पंथ को, कोई गादी को, कोई स्थान को, कोई गुरु को, कोई अपने आराध्य को विशेष कहकर बस यही एक कुएं की मेंढक की तरह यही सब कुछ है, यही सर्वा सर्वा है ये मानकर बैठ जाते हैं। और क्या विचारते कि भाई गुरु नहीं बदलना चाहिए, गादी नहीं बदलना चाहिए, और दीक्षा मंत्र भी दूसरे के साथ नहीं लेना चाहिए। एक बार तो हमने किसी और का ले लिया, सुंदर सा जी दत्तात्रेय ने कितने गुरु धारण किए थे? 24। उसने सांप को भी गुरु माना, वेश्या को भी गुरु माना, कि ये भी एक पति की राह, कोई दूसरे पुरुष की राह में इंतजार में किसे एक पर लक्ष्य केंद्रित करके बैठी है। तो कहीं से भी सत्य सुनने को मिले तो अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करना चाहिए, अपनी शंका का समाधान करना चाहिए। एक कुएं की मेंढक की तरह वहाँ सीमित बन के नहीं रहना चाहिए कि यही हमारा बाड़ा है, यही हमारा संप्रदाय है, चलो यहाँ बंध दिया, बांध लिया, यहाँ से आगे और कोई जानने की इच्छा नहीं करनी है। ज्ञान तो अगाध सागर है, अपने को क्या मानना? ज्ञान तो अगाध सागर है, उसमें से मैंने कुछ एक बूंद जाना है बस, और बस मैं परमात्मा की एक प्रतिनिधि के रूप में बस उसका नेतृत्व प्रतिनिधित्व कर रही हूं, मैं कुछ नहीं हूं इस ब्रह्मांड में। यहां भीम भाई और श्याम भट्ट की बात हमने सुनी, और आगे सुंदर सा जी प्रकरण बदल रहे कि वेदांत की चर्चा जो सुनते थे और वेदांत के बाद उस दोनों ने ये ग्रहण कर लिया, क्या तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया और निजानंद संप्रदाय में शामिल हो गए और अपना पहले वाले गुरु का संबंध तोड़ के शंभुनाथ के साथ का संप्रदाय का और निजानंद संप्रदाय में शामिल हो गए। उसके बाद प्रसंग बदलता है, फिर राधा वल्लभी मार्ग वाले गोविंद जी व्यास, कौन? गोविंद जी व्यास। और राधा वल्लभी मार्ग के ध्यान से सुनिए, और राधा वल्लभी मार्ग के अनुयायी थे और वल्लभाचार्य जी ने भागवत के 10वें स्कंद पर जो सुबोध जी ने टीका लिखी है उस टीका को लेकर यहां सुंदर साजी प्रमाण भी दिए गए कि भागवत के 10वें स्कंद में, मैंने कई बार वैसे तो भागवत की बात आपको रखी कि उसमें 10वां स्कंद है, ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय के वैष्णव जन अपना हृदय मानते हैं, क्योंकि शरीर के सर्व अंग चाहे कोई भी अंग ना हो तो चलेगा, लेकिन हार्ट हृदय नहीं होगा तो ये शरीर निचेतन बन जाएगा, चलेगा नहीं, क्रियाशील नहीं होगा। तो यहां भागवत के 10वें स्कंद में
जो सुबोध जी टीका को लेकर वल्लभाचार्य जी ने जो प्रमाण दिए है, वैसे तो और भी हमारी परमधाम की ब्रह्मात्माओं की जो अखंड ब्रज रास की लीलाओं का भी सुंदर वर्णन है, लेकिन यहाँ रास की जो हमारी लीला हुई वो सुखदेव मुनि उसका वर्णन नहीं कर पाए, पंच अध्याय में उसका वर्णन हुआ। इसलिए प्राणनाथ जी ने वेदवाणी के प्रकरण में बताया कि भागे जोस कही पंचाध्यायी रास वर्णन न हुओ तीन ताई, क्योंकि सुखदेव तो और आगे महाराज का वर्णन करने जा रहे थे, लेकिन परीक्षित पात्र न होने के कारण ये आवेश नहीं, ये जोश से जो वर्णन किया जा रहा था वो जोश हट गया और वर्णन वहाँ से अटक गया, आगे नहीं कर पाए। लेकिन ये एक दो श्लोक में जो यहाँ प्रमाण दिया है, भागवत के दसवें स्कंद में भगवान अपि रात्रि सद उल्ल मल्लिका विक्षरयन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित, दृष्ट्वा कुमद अखंड मंडलम रमानाभ नव कुरुण कुमकुमारुणम और आगे वनम च तत्कोमलम वाम दशा जगो कलम वाम दशा, और आगे एक चरण में बताया वाम दशा मनोहरम। तो ये दो श्लोक है, उसका हम भाव सुनिए कि कितना बल किया होगा सुखदेव मुनि ने। ये दसवें स्कंद में दो श्लोक जो अखंड महारास रात्रि जो केवल ब्रह्म में रास खेली गई उस रास का जो वर्णन किया है इस श्लोक के माध्यम से कि शरद पूर्णिमा की कालीन रात्रि थी, क्योंकि रात्रि का समय था ने, ध्यान से सुनिए, रात्रि का शरद पूर्णिमा की रात्रि कालीन समय था, तभी चमेली और भी कई फूलों के साथ जो योग माया का एक केवल ब्रह्म में अखंड ब्रह्मांड में महाराज की लीला की गई उसी शोभा में, तब चंद्रमा की शोभा कैसी थी, तो यहां बताया कि केसर के समान, और इतना नहीं लक्ष्मी जी के समान, केसर के समान लालिमा लिए हुए, लक्ष्मी जी के समान इतना सुंदर शोभा लिए हुए, चंद्रमा भी अपनी संपूर्ण शोभा के साथ आकाश से नीचे कहां योग माया ब्रह्मांड में पूर्ण अपनी किरणों के साथ आच्छादित हो रहा था, प्रकाशित हो रहा था और अपनी शोभा फैला रहा था। उसी समय क्या हुआ, तो इस ये श्लोक के माध्यम से बताया कि तब जाके ये कालमाया का ब्रह्मांड श्री कृष्ण जी ने छोड़ दिया, ये पंचमहाभूत का जो कृष्ण नाम का तन था ये यहाँ ब्रज मंडल में कालमाया के ब्रह्मांड में छोड़ दिया, और अंदर से शक्ति योग माया ब्रह्मांड केवल ब्रह्म में बुद्धि के स्वरूप में पहुंची और वहां जाके जैसे ही बांसुरी बजाई, प्राणनाथ जी ने वाणी में चौपाई लिखी, सरल निसारे पुनम तनी आवियो ते आसो मास सकल कलानो चंद्रमा जेनी रजनीय की दोरास। तब वहां जाके बांसुरी बजाई, कैसे ब्रह्मात्माए अब यहाँ के तन छोड़कर 24,000 कुमारी का और 12,000 ब्रह्मात्माएं निकली, ये मैंने पूर्व रास में वर्णन कर दिया था। तो यहाँ सुंदर साजी जो सुबोधि जी ने टीका है उसके अंदर ये वर्णन है, और ये उसके बाद यहाँ जो और गोविंद जी व्यास का जो प्रसंग चल रहा है, गोविंद जी व्यास के पास भागवत के 40 प्रश्न वो रखते थे, और उसका जो भाव क्या है गुह्य बातुनी ये उसको समझ में नहीं आता था कि क्या भागवत के 40 प्रश्नों का जो वल्लभाचार्य जी की टीका में लिखा हुआ है उसका क्या भाव है, तो वो भाव अभी खुला नहीं था। तो हमारे सुंदर साथ एक वल्लभ भाई दलाल करके वो उसको मिलते हैं,
वो लोग तो छूत अछूत में ज्यादा मानते हैं, लेकिन उसको समझाकर वल्लभ दलाल गोविंद जी व्यास को लेकर श्री जी के पास आते हैं और श्री जी गोविंद जी व्यास के मुख से ही क्या खुलवाते हैं, ये भागवत के 40 प्रश्नों का जवाब उत्तर अभी तक कोई नहीं दे पाए थे। उसमें 40 में पहला ही प्रश्न है कि मोह क्या है और कैसा है, दूसरा है ये मोह हुआ तो किसको हुआ, तीसरा है ये हिरण्यगर्भ अंड क्या पदार्थ है, ये जल क्या पदार्थ है, पहले जल तत्व की रचना ही नहीं हुई थी, चौथा प्रश्न है कि रचना ही नहीं हुई थी तो ये जल कहां से आया, ये जल क्या चीज है, क्या पदार्थ है, ये निराकार क्या है, ये साकार क्या है। आगे तो वैसे 40 प्रश्नों में ब्रज की रास की और जो रास की अखंड योग माया की लीला हुई ये कहां पर हुई, ऐसे ऐसे करके जो 40 प्रश्न है। तो ये प्रश्न के भाव अभी तक गोविंद जी व्यास या राधावल्लभ मार्ग संप्रदाय में किसी ने खोलकर समझाया नहीं था, यहां श्री जी ने ये सब खुलकर गोविंद जी व्यास के मुख से ही स्वयं कहलाया कि मोह। ऐसे हम एक दो प्रश्न को समझे क्योंकि समय नहीं है सुंदर साथ जी, आप सब पढ़ लीजिए उसी के अंदर क्योंकि ये प्रकरण तो मेरे को पूरा करना ही है। कि मोह जो ये प्रकृति है, प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप, ये प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप ये मोह सागर है, ये मोह सागर से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और पल में लय हो जाते हैं। मोह काल और भ्रमणा ये सब सारे नाम निंद के निराकार और निर्गुण, ये सब कहो सब समानार्थी पर्याय नाम है। मोह कहो, काल कहो, अज्ञान कहो, भ्रमणा कहो, तो उसमें से ये सब। और बताया के आगे ये मोह किसको हुआ, मोह नारायण को हुआ है, अक्षर ब्रह्म को नहीं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म राज्य के सत्ता के स्वरूप है, उसी के अंदर कभी भी सपनों में भी मोह पैदा नहीं होता। और यहाँ तीसरा प्रश्न ये हिरण्यगर्भ अंड क्या है, उसके अंदर चैतन्य क्या आया, तो जो चैतन्य आया उसको ही हिरण्यगर्भ अंड कहा गया, और जल दूसरा कोई नहीं वो मोह रूपी जल को बताया गया। और आगे सुंदरसा जी वैसे तो बहुत से प्रश्न है लेकिन उसी के अंदर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इतने सुनकर गोविंद जी व्यास को, श्री जी की बात इतनी सुनकर गोविंद जी व्यास को ईमान आ गया, उसने श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और तारतम ज्ञान ग्रहण करके निजानंद की राह पर वो चल पड़े। लेकिन यहां राधा वल्लभी मार्ग वाले अनुयायी लोगों को ये सहन नहीं हुआ और वहां सुंदर साथ जी एक किरणतन भी उतरता है। क्या किरणतन है ये भी हम सुन ले। वचन विचारो रे मीठी वल्लभाचार जवाणी, वचन विचार रो रे मीठी वल्लभाचार जवानी, अर्थ लिए बिना जाई अंधेरी, करत सबो को फानी, वचन विचार रो रे मीठी वल्लभाचार जवानी, वचन विचार रो रे मीठी
वल्लभाचार्यजवा। श्री जी के तन से ये कीर्तन ग्रंथ के कीर्तन उतरे, क्योंकि वो लोग विवाद खड़ा करने लगे, झगड़ने लगे। तब श्री जी ने जाके इस कीर्तन के माध्यम से समझाया। उसमें तो बहुत से ऐसे कटु वचन भी है, लेकिन सुंदर साची यहाँ हम एक ही चौपाई का भाव लेकर आगे बता कि हे वैष्णव जनो, हे राधा वाल्मी मार्ग के अनुयायी, तुमने वल्लभाचार्य जी की ये सुबोधिजिनी टीका की मीठी वाणी पर क्या विचार किया, आगे सुनिए। और बोला कि तुम वल्लभाचार्य जी ने जो कृष्ण तत्व की अखंड गवलोक की बात की है, क्या उस पर तुमने विचार किया? तुम तो अपनी जो अपना पूरा समय है वो खाने में, पीने में, कपड़ा धोने, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने में पूरा ही समय आप बिता रहे हो। इतना नहीं, तुम कौन हो, इस कीर्तन में आगे बताया है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये संसार और शरीर को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है, क्या आपको इस बात का पता है? अभी किसको पूछ रहे वैष्णव का ही हमको, क्या हमने हमारी आत्मा को पहचान लिया, परात्म को देख लिया है बैठे बैठे? और कहां से आए? चलो ये तो ज्ञान से पता चल गया, कहां से आए हम? परम धाम से, ठीक है, और जाना भी वहां है, लेकिन अभी तक देखा नहीं। इसलिए मैं 3 दिन पहले भी कहती थी कि हमने ज्ञान से पहचान की, ध्यान से, ज्ञान से पहचान की, लेकिन स्वरूप से पहचान नहीं की, क्या हमारे दिल में ये स्वरूप जी अखंड अभी नहीं हुआ है। यहां प्रसंग तो गोविंद जी व्यास का है, लेकिन अभी सिखा किसको रहे? हम सबको। ये वैष्णव जनो, आप ये पहचान करो, क्यों इसी उल्टी राह पर चले हो, वल्लभाचार्य जी के वचन को क्यों नहीं मानते हो? तुम इसी उल्टी राह पर चलकर तुम बाहर भी क्यों आए, गर्भ माहे क्यों न गलिया? कितने प्राणनाथ जी ने वचन किए हैं यहां। और आगे बढ़े तो ऐसे ऐसे चर्चा का प्रवाह और आगे बढ़ने लगा। हम कहां चर्चा अभी चल रही है? अभी तो यहां सरसावा प्रांगण में, लेकिन किस प्रसंग पर हम चल रहे हैं? सूरत में, कहां है? गुजरात में है, सूरत में हम ये प्रसंग चला रहे हैं। तो यहां गोविंद जी व्यास को ईमान आ गया, श्री जी के चरणों में प्रणाम किया। वो लोगों को, वैष्णव लोगों को लगा राधा वल्लभी मार्ग ज्यादा निंदा शुरू कर दी, क्योंकि उसको लगा कि ये कहाँ का पंथ है, ऐसे कौन लोग आए कि हमारे लोगों को खींचे ही जा रहे हैं। पहले मैं भी गुजरात में सुनती थी, ये बात आउट तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ राज्य के सामने ऊपर हाथ रखकर बोलती हूँ सुंदर साथ जी, कि वहां भी मेरे को कई सुंदर साथ ने सुनाया, अरे भाई तुम आहूजाओ की ओर मत जाओ, वहां जाके तुम उसकी बन जाओगी, क्योंकि एक बार जाएंगे ना उसी के पास कोई भुरकी है, रसायन है, क्योंकि वहां आहूजा से सब पहचानते हैं ना, तो उत्तर की ओर मत जाओ, वो अपना बना लेंगे। तो मैंने बोला क्या ऐसी चीज है, क्या ये चीज हमारे पास नहीं है, क्या ऐसी चीज हमारे पास नहीं है? सुंदर सा जी, कोई विरोध की बात नहीं है, जो आज सुन रहे और कल सुनेंगे सबको मैं इस बात से ये समझाना चाह रही हूं कि क्या, तो जो सुंदर साथ यहाँ ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं, यहाँ से जो ज्ञान ज्ञानपीठ सरसावा से प्रचारित हो रहा है या कोई भी किसी स्थान से प्रचारित हो रहा है, तो क्या ये ज्ञान हमारे पास नहीं है क्या? या हम अपने अपने स्वयं को पूछ ले, बोले कि दीदी, हे दीदी, इतनी दूरी पर जाने की क्या जरूरत है, यहाँ भी सब कुछ मिल रहा है, वाणी तो हमारे यहाँ भी है, यहाँ भी चर्चा हो रही है। तो मैंने एक ही प्रश्न किया कि पता नहीं राज्य मेरे को 1 केजी मिठाई लेने के लिए 1500 किलोमीटर की दूरी पर, इतनी दूरी पर राज्य क्यों ले आए, क्या इतनी मिठाई मेरे को राजकोट में नहीं मिली, क्या गुजरात में नहीं मिली, पता नहीं रांची कहाँ कहाँ कौन कौन सी आत्माओं को कहाँ कहाँ खींच के ले जाते हैं और कहाँ से फिर जाहिर करते हैं, और क्या ज्ञान
उसे दिल में देना चाहते हैं, क्या शोभा देना चाहते हैं, ये उस दिल को पता है। बस हम तो सिर्फ एक कठपुतली है, हम तो सिर्फ एक माध्यम बने हैं। यहाँ गोविंद जी व्यास की कोई ऐसी लीला हुई, क्या बताया कि ऐसा कौन आया है कि हमारे ऐसे महान महान आत्मा को उसी संप्रदाय की ओर ले जा रहे हैं। और आगे प्रसंग बदलता है बिहारी जी महाराज वाला। हमारे पास 10 मिनट है, तब तक हम दोनों प्रसंग को पूरा कर दे कि वहां से बिहारी जी महाराज नौतनपुरी जामनगर से अपने मन की सब बात लिखकर पत्र के माध्यम से सूचित करते हैं कि हे मिहिराज, मैं आपको जो पत्र भेज रहा हूं उसी के अंदर मैं 3 नियम लिख के भेज रहा हूं। इन तीन नियमों का पालन हमने नौतनपुरी में तो चालू कर दिया है। ये पत्र पहुंचते ही तुम जहां पर हो, अभी तो कहां है, सूरत में, ठीक है, कहां है, सूरत में। तो बोला कि तुम ये तीनों का तुम वहां ये नियम चालू करवा दो, क्योंकि उससे हमारा धर्म उज्जवल रहेगा और ये बताई हुई निजानंद संप्रदाय की राह पर सब चलेंगे। तो कौन कौन सा 3 नियम है, कौन कौन सा नियम है? एक, विधवा स्त्री को तारतम नहीं देना। दूसरी, नीची जाति गरीब लोगों को नहीं देना। तीसरा, मेरे और तुम्हारे सिवा किसी को यहां बैठ के चर्चा नहीं करनी। बोलिए श्री प्राणनाथ। एक की ओर प्राणनाथ जी आगे वाणी में क्या लिखेंगे, सुख शीतल करो संसार, ठीक है। जब यह पत्र में सुना तो यहां श्री जी ने क्या विचार किया, और जो पत्र लिखेंगे यहां से वापस, उसमें यह विचार किया और लिखा कि तुमने जो 3 नियमों की है बिहारी जी महाराज जो बात की है, आप पहले कान खोलकर सुन लीजिए कि सतगुरु महाराज ने इस जाति का, वेशभूषा का, ये वर्ण का सब बंधन तोड़ दिए हैं, तभी कोई भेदभाव नहीं रखे। आप तो ऐसे भेदभाव क्यों कर रहे हो, इतना नहीं, तुम आपकी जाहिरी साफ लिखा है चौपाई में, आप पढ़ लीजिए आज अभी तक, कि आपकी जाहिरी दृष्टि बंद कर आपकी आत्मिक दृष्टि खोल के देख लीजिए, आप ऐसी सामान्य बात क्यों लिख रहे हो। पहले विधवा स्त्री को नहीं, तो बताया कि सतगुरु धनी देवचंद्र जी ने जो खोजी भाई, जब जागणी लीला गांग जी भाई के वहां चल रही थी, तब खोजी भाई निकली, वो मुसलमान स्त्री थी, विधवा भी थी, नीच जाति की भी थी, तब क्या जाति पहचानी, क्या वेशभूषा या वर्ण या कुछ देखा? तो बताया कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने तो जो भी जाति के हो, जो भी वर्ण के हो, बस परम धाम का मूल अंकुर देखा तो उसी को किसी की जाति विशेष के, वेशभूषा विशेष के, वर्ण के विशेष बांधना नहीं चाहिए। ऐसे तो कोई संसार के आज और मत चलाने वाले सामान्य भक्त या कोई भी व्यक्ति नहीं करता, हम तो परम धाम के ब्रह्मात्मा है, सुंदर साथ है, ऐसी राह क्यों चलाने के लिए आप बात कर रहे हो। और यहां बताया कि खोजी बाई जब निकली तो उसी के अंदर क्या वासना देखी परम धाम की, रई बाई की, पहचाना था ने, और कोई नात जात देखी थी, और दूसरा क्या बताया, नीची जाति को, तो यह भी तभी सदगुरु ने देखा नहीं है, और तीसरा मेरे और तुम्हारे शिवा। तो यहां बताया पत्र में कि भाई मैं और तुम ये प्रकृति का एक समय के साथ बंधा हुआ ये पंच महाभूत शरीर धारण किया है, प्रकृति की एक मर्यादा है, उसी का उल्लंघन कोई संसार के मनुष्य प्राणी नहीं कर सकते। एक दिन तो सबको जाना है, इस संसार को छोड़ना है के समय के हिसाब से, तो हम दोनों कहाँ तक ये ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, कब तक ये फैलाव करते रहेंगे। ये तो जिनको पहुंचे तारतम सोई करे रोशन,
जिन जिन को तारतम पहुंचे, मतलब जिसको जितनी शुद्धि हुई, सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले नहीं तुम बिना शुद्ध देवो मेरी औरन को, तो चले तुम्हारा हुक्म। तुम्हारे अंदर जितनी भी शुद्धि हुई, जितनी भी पहचान हुई, तुम दूसरे को बताते चलो, दूसरे तीसरे को बताते चले, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, वैसे संसार में ये ज्ञान फैलेगा। तो तुम्हारी इतनी संकुचित विचार, ऐसे विचार तो ये शोभनीय नहीं है, ये बराबर नहीं है। श्री जी को बहुत दुख हुआ कि वाणी तो एक सागर है, कितने एक छोटे से कुंड में उसको बांध सकते हैं सुंदर साथ जी। यहां श्री जी ने जब वापस पत्र लिखते हुए और जब बताया कि यहाँ संसार के लोगों की यह राह नहीं है, और उसी में कई प्रमाण हम संसार के धर्म ग्रंथों से भी सुनते हैं कि हमारे भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा के अनुसार सुंदर साथ जी जो कर्म के आधार पर वर्णन की नक्की किया, निश्चित किया जाता है, जन्म के आधार पर नहीं, हिंदू में 1200 जातियां है, और गुण स्वभाव और कर्म के आधार पर ये निश्चित किया जाता है। मान लो कि कोई शूद्र जाति में जन्मे, लेकिन उसका गुण स्वभाव और कर्म ऊंचे है तो ब्राह्मण है, और कोई ब्राह्मण कुरुम ने जन्मे और उसका गुण स्वभाव और कर्म शूद्र जैसा है, तो भले वो जाति तो ब्राह्मण की है लेकिन वो शूद्र है। तो यह कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। और भी धर्म ग्रंथों के प्रमाण बितक साहिब में दिया गया है कि जैसे एक जाम्बाली ऋषि, मातंग ऋषि चंडाल थे, जाम्बाली ऋषि, उससे आगे जानुश्रुति ऋषि शूद्र थे, ऐसे तो मीराबाई के गुरु रविदास भी शूद्र थे, लेकिन ब्राह्मण पुत्र कौन, पुलस्त्य के पुत्र, ये जो विश्वरवा मुनि उसके पुत्र रावण ब्राह्मण कुंड में जन्मे थे, लेकिन उसका आचार, उसकी रहनी, उसका गुण स्वभाव कर्म हीन था, तो राक्षस कहलाए। और ऐसी शूद्र कुंड में जन्मने वाले गुण स्वभाव कर्म से उच्च है तो ब्राह्मण कहलाए। तो यहाँ सब जात नात का भेदभाव समाप्त हो कर देना चाहिए, ऐसी बात को लेकर श्री जी ने पत्र दिया, और उसी के साथ कलश ग्रंथ भी भेजा, कहाँ, नौतनपुरी। और वहाँ जाके बिहारी जी महाराज ने इस कलश ग्रंथ को देखा, उस कलश ग्रंथ में जब इंद्रावती की आत्मा को जो शोभा दी गई है वो जब सुना, इंद्रावती के उ अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो कोई अंग सौंपे इंद्रावती को, ताये फ्रेमे खिलाऊ रंग, सुख देऊ सुख लेऊ, सुख में जगाऊ साथ, इंद्रावती को उपमा में दई मेरे हाथ, इंद्रावती को अंतंत रंगे शाम समागम थयो, साथ बेलो जगवा में इंद्रावती को कहो। तो ऐसी जैसे चौपाइया देखी तब तो बिहारी जी माँ झीलने लगे कि अरे तो गादी का तो कोई महत्व, सुंदर साह जी आपको लगता होगा कि दो दिन से यही चल रहा है गादी गादी गादी, ये मैंने नहीं लिखा, ये 400 साल पूर्व की घटना है। लालदास जी महाराज के धाम दिल में बैठकर स्वयं धाम के धनी ने आसबाई को महामती की शोभा मिली, बताया कि यहाँ कलश ग्रंथ के अंदर तो ये जो सब प्रशंसा सब सिफत तो महामती की गाई जा रही है, तो मेरी तो कोई महिमा ही नहीं रहेगी, मूल्य ही नहीं रहेगा। तो यहाँ बिहारी जी महाराज की लीला यहाँ सुंदर साह जी पूर्ण होते हुए अंतिम आगे और लीला में हम पहुँचे। तब सुंदर साथ ने क्या किया कि तुम बिहारी जी महाराज की तरबियत तो जानते हो, चलो भीम भाई ने अगुवानी ली, और इतना नहीं सब सुंदर साथ को बोला कि सुंदर साथ एक ही स्वर में हम घोषणा कर दे, और आपस में सुंदर साथ ने विचार विमर्श किया कि सतगुरु धनी देवचंद्र जी के अंदर जो युगल स्वरूप बैठे थे उसकी बैठक कहाँ है आज। तो सब सुंदर साथ ने एक ही स्वर में घोषणा की कि वो बैठक मिहराज के अंदर महामती के धाम दिल में, बोलो श्री प्राणनाथ। और क्या बोला आगे कि हे धनी आपको तो सब कुछ मालूम है, और भीम भाई ने अगुवानी लेकर बोला
ये सुंदर साथ आपको तो आपको भी मालूम है, क्या मालूम है कि बिहारी जी का स्वभाव क्या कि वहाँ जो सुंदर साथ को हम भेजते थे वो बेचारे दुखी होकर, चाहे धारा भाई हो राम जी भाई हो, पहले फुलबाई का त्याग हुआ तो दुखी होकर बेचारे आते थे, इतना नहीं और यहाँ आप समझाते थे, तारतम ज्ञान ग्रहण करवाते थे। और आपको पता है कि वहाँ जो बिहारी जी महाराज का आचरण कैसा था, तो आप बस उसी की बात को छोड़ दीजिए और जागरी का कार्य अपने सिर पर ले लीजिए, क्योंकि ब्रह्मात्माओं की जागनी की उत्तरदायित्व तुम्हारे पर सतगुरु महाराज ने दी है, तो सब बातों को आप छोड़ दीजिए। तब सबने आगेवानी ली और श्री जी को सुंदर साथ जी ये सिर पर जिम्मेदारी तो पहले से दे चुकी है, लेकिन यहाँ घोषणा हुई। और आगे तब उसी समय लालदासी जा वहाँ पहुँचते हैं, 1727 का समय है, सुदामापुर पोरबंदर, और पोरबंदर जाते हैं तो पोरबंदर भी राधा वल्लभी मार्ग का बहुत प्रचार प्रसार था, और वहाँ जाके कई सुंदर साथ को जगाते हैं। वो किस्सा अभी आया बताया, अभी लालदासी 1729 में, मैं पूरा प्रसंग का दो मिनट में सार रख दूँ, ये सुनने की बात में इतना ही सार लेना है कि 1727 में लालदासी कहाँ थे, 1729 में सूरत का प्रसंग चल रहा है, तो दो साल पहले वो सुदामापुर मतलब पोरबंदर गुजरात में, ठीक है, वहां पहुंचे और वहां जाके कैसे वहां राधा वल्लभी मार्ग के अनुयायी लोग निंदा करते हैं, और वहां जो पीताम्बर भाई और सुंदर साध भी है उसको कैसे जगाते हैं, और फिर वहां कैसे कैसे जागने की लीला आगे बढ़ती है, कौन कौन सुंदर साथ वहां तारतम लेते हैं। और इतना नहीं, राधा वल्लभी मार्ग वाले अनुयायी निंदा करते करते क्या बोले कि वहाँ जब लालदासी चर्चा करते थे ना तो दर्शन लीला ज़्यादा होती थी, तो वो लोगों ने एक पूरा एक बना लिया एक इश्यू कि भाई एक वार्ता के रूप में, भाई ये लोग तो नए कोई संप्रदाय खड़ा किया है और हमारी बराबरी का संप्रदाय बता रहे हैं। इतना नहीं, वो चूहे का धर्म है, कैसा बताया, वो चूहे का धर्म है, कैसे तो के बताते हैं कि भाई अपने मंदिर में किसको बोल रहे हैं लोग, राधा वल्लभी मार्ग के अनुयायी लोग बोल रहे हैं कि भाई ये लालदासी को बोल रहे कि भाई ये लोग जो आए हैं हमारे बराबरी का धर्म बता रहे, और मंदिर में जब भोग लगाते हैं तब चूहे के पैर में घुंघरी बांध देते हैं, और जब भोग लगाने के बाद पर्दा करते हैं तो चूहा अंदर जाते तो चलने के समय जब पैरों में घुंघरू बजती है तो आवाज़ आएगी, और बाहर आज आएगी तो कहेंगे देखो हमारे कृष्णा जी भोजन करने के लिए आए, ऐसा कोई नया पंथ उसने चलाया है, ऐसा वहाँ कोई कृष्णा जी नहीं आते, ये तो चूहे का धर्म है। तो ऐसा एक प्रसंग को लेकर सुंदरसा जी बीच में ये भी रखा, और आगे धामधनी ने बताया कि लालदासी क्या कह रहे थे कि श्री जी 1727 में जब मैं पोरबंदर था तभी यही घटना घटित हुई, और वहाँ से लालदासी 1727 में निकले, वहाँ लीला होती रही, और 1729 में निकले, और निकले तो निकलने के टाइम आगे बढ़े, पहले दीव बंदर पहुँचे, दीव बंदर 15 दिन रुके, और वहाँ से जब निकले तो दीव बंदर से आगे जो ये लेनदार और कौन थे जो पहरेदार, क्योंकि माया की उलझन आई, क्योंकि राज्य को लालदासी को इस माया से निकालना है, ये मूल स्वरूप ने पहले से निश्चित कर लिया था कि लालदासी की ये जागणी यात्रा में प्रमुख भूमिका रहेगी, बहुत सहयोगी भूमिका रहेगी, तो मूल स्वरूप ने दिल में ले लिया कि लालदासी को आसबाई को इस माया की उलझन से बाहर निकालो।